ज़्यादा इंजॉय किए, बहुत अच्छी लगी, सुपर बहुत अच्छी थी। इन लोगों का जो लव स्टोरी था ना, फंटास्टिक, बहुत अच्छा था, सुपर बहुत अच्छा था। हाँ, हम लोग बहुत इंजॉय किए। हाँ वो तो सबसे अलग था, बॉलीवुड से भी अलग था, भोजपुरी से भी सबसे अलग था, फंटास्टिक, सुपर। क्या चीज़? 4। फिल्म बहुत अच्छी थी। क्या खास बात थी फिल्म में? मुझे लव स्टोरी उनकी बहुत अच्छी लगी, एंड उनकी मीन्स बिहार की जो स्टोरी बताई है, मीन्स पहले ऐसा होता था लेकिन अभी तो उतना नहीं हो रहा है, लेकिन अच्छी लगी स्टोरी भी उनकी, मीन्स कंटेंट जो थे वो भी बहुत अच्छी थी मूवी की, मीन्स दो मीन्स बहुत अच्छी केमिस्ट्री लगी उन लोग की। डायरेक्शन भी अच्छी थी उन्होंने, मीन्स जहाँ से उठाया है इनके स्टोरी को बिहार में, मीन्स ऐसी होती थी पहले वहाँ पे, इसलिए वो स्टोरी मुझे, मैं बिहार का हूँ इसलिए मुझे मालूम है। हाँ, रिलेट कर पा रहे हैं। 5 स्टार। अच्छी, इंटरेस्टिंग है, सेम ओल्ड स्टोरी है लेकिन एक्टिंग अच्छा है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और वो काफ़ी अच्छा कपल है, ऑन स्क्रीन अच्छा कपल है, तो एंटरटेनिंग था। ओके, कॉन्सेप्ट के बारे में क्या कहने जो कॉन्सेप्ट लाया मूवी में? ये कॉन्सेप्ट तो वही है ना, कॉन्सेप्ट काफ़ी पुराना है, कॉन्सेप्ट में कुछ नया नहीं है, खाली वो कपल एज ए न्यू एक्टर्स अच्छे दिखते हैं। ओके, कितना स्टार देना चाहिए फायर? 2.5 to 3 stars। थैंक यू। बहुत अच्छी है, काफ़ी एंटरटेनिंग है, फनी है, ह्यूमर है, गाने बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। उनकी हंसी तो फंसी में भी केमिस्ट्री बहुत लोगों को पसंद आई थी, और ये वाली मूवी में ऑब्वियसली डिफरेंट है पर बहुत ही अच्छी है। हाँ, काफ़ी वो खास बात सबसे अच्छी ये है कि उन लोगों ने काफ़ी रियल रखा है, लोकेशंस आर रियल, और उन लोगों का स्टाइलिंग वगैरह और उनके बात करने का उस पर काफ़ी ध्यान दिया हुआ है कि वहाँ पे कहीं मिस्टेक ना हो जाए उनके डायलॉग्स पे, और वो जो उनकी हरकतें हैं और जो प्रैक्टिसेस वहाँ पे होती है उसको लेके काफ़ी अच्छे से ऐसा लगता है रिसर्च करके आपके ध्यान, मतलब गलती की गुंजाइश नहीं है मूवी में। डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, डेब्यू डायरेक्टर होके उन्होंने बहुत अच्छा किया है काम। जितना मैं देख पा रही थी कि सब लोग मूवी एंजॉय कर रहे थे, लास्ट तक भी कुछ कुछ डायलॉग्स पे लोगों को हंसी आ रही थी, तो काफ़ी कनेक्टिंग थी, ऐसी बोरिंग मूवी नहीं थी, एंटरटेनिंग थी। सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे हैं, द हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग वॉज देयर, लव सॉन्ग वॉज देयर की होंदा प्यार, और ख्वाब फरोशी, तो उसमें उनका जो इमोशनल कनेक्ट बताया वो बहुत अच्छा है। आई रियली लव द सेकेंड पार्ट, वो बहुत अच्छा था। ख्वाब फरोशी की होंदा प्यार, और सिद्धार्थ मल्होत्रा का डांस था मजीला हिला ले। नो, आई कांट सिंग दैट। 5 out of 5%। अच्छी लगी है फिल्म में, खास बात वो बिहार के ऊपर जो बनाई है स्टोरी दहेज के ऊपर, वो अच्छी लगी। हाँ, दे रही है, जबरिया कुछ भी अच्छा नहीं होता, न प्यार न शादी, जो लास्ट में जो डायलॉग है वो अच्छा है। अच्छी है दोनों की, जम रहा है। अच्छा, बोरिंग तो नहीं है, कॉमेडी है, सब है, गाने हैं, सब कुछ है। डायरेक्शन ठीक है, गाने कैसे लगे? ठीक है, लास्ट गाना अच्छा है, टाइटल सॉन्ग जो लास्ट में जो गाना है ना, टैटू वाला, तो लाइनें याद नहीं आ रहा है। अच्छा, ऑटो पे कितना स्टार देना चाहिए? 3। आपने जस्ट अभी जबरिया जोड़ी देखी थी, मूवी के बारे में क्या बोलना चाहिए, कैसी लगी जबरदस्त? मूवी बहुत अच्छी लगी, लव स्टोरी भी अच्छी थी, एंड डायलॉग्स भी उसके बहुत अच्छे लगे। 5 out of 5 stars। डायरेक्शन के बारे में क्या बोलना चाहिए? वो भी बहुत अच्छे थे। सिद्धार्थ और परिणीति की केमिस्ट्री के बारे में क्या बोलना चाहिए? वो भी बहुत अच्छे थे। गाने के बारे में? गाने भी अच्छे थे, मूवी अच्छी तो गाने भी अच्छे होंगे ना। 5 stars। थैंक यू, वेलकम। अमेजिंग, आई लव सिद्धार्थ मल्होत्रा।
परिणीति और सिद्धार्थ की केमिस्ट्री के बारे में? बहुत अच्छी है एक्चुअली, दे शेयर अ वेरी गुड फ्रेंडशिप ऑफ स्क्रीन, तो वो बहुत कंफर्टेबल लगता है ऑन स्क्रीन देखने में। डायरेक्शन के बारे में क्या बोल? डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, डेब्यू डायरेक्टर है तो भी बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है, सोशल मैसेज को एक अच्छा फनी टेक लेके एंटरटेनिंग वे में दिखाया है, एंड द सेकेंड हाफ इज रियली रियली अमेजिंग। म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, काफ़ी कनेक्टिंग है एंड सिचुएशन को लेके अच्छे से सेट किया है। अच्छा है, बिहार के कहानी पे बेस्ट है, इसके बारे में क्या बोलना? हाँ, लैंग्वेज के बारे में। हाँ, वो पूरा बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होता है, वहाँ का एक लहजा होता है एंड एक्सेंट होता है, तो वो काफ़ी अच्छे से इन लोगों ने सिद्धार्थ पर या इवन द सपोर्टिंग कास्ट, उन लोगों ने काफ़ी मेहनत की है, द डायलैक्ट एंड द एक्सेंट एंड द वाइब्रेंट कलरफुल लाइट हार्टेड एवरीथिंग इज देयर। बेस्ट पार्ट ऑब्वियसली द रोमांस बिटवीन देम। 5 out of 5 इज माय फेवरेट। जबरिया जोड़ी क्या बोलना चाहिए, कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी लगी, सुपर। डायरेक्शन के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, जो भी है डेकोरेशन वगैरह जो भी है, फिर से इन लोगों की जो लव स्टोरी है ना एकदम फंटास्टिक, एकदम फाड़ू है। जब वो अपना शादी छोड़ के और इससे आता है शादी करने ना, वहाँ का जो सीन है ना इतना मस्त है कि मैं बता नहीं सकती। सिद्धार्थ और परिणीति की केमिस्ट्री के बारे में क्या बोलना? सुपर। फिल्म के गाने के बारे में? सारे गाने बहुत अच्छे थे, लोकेश जो बहुत अच्छा था बस। वही जो मैं बताई, जो शादी अपने शादी का मंडप अपना छोड़ के और इसके मंडप पे आता है और फिर इतने सारे, बहुत अच्छा था, सुपर। बिहार की कहानी पे बेस्ट फिल्म है, तो लोगों को कितना अट्रैक्ट करेगा, क्या बोलना चाहेंगे? 4 4। गाने के बारे में, आइटम सॉन्ग दिए, तो आपका फेवरेट गाना इसमें कौन सा है? मुझे सारे गाने बहुत अच्छे लगे, सो अभी तक कोई फेवरेट नहीं। आउट ऑफ 5 कितने स्टार देना चाहेंगे? 4। जबरिया जोड़ी क्या बोलना चाहिए, कैसी लगी मूवी? काफ़ी अच्छी है, उसका जो सब्जेक्ट वो लोग ने एड्रेस किया है मूवी में वो इम्पोर्टेंट है, ये जबरदस्ती शादी का, तो उस हिसाब से ये मूवी बनी तो अच्छा है। स्टोरी के बारे में क्या बोलना चाहिए, कितनी अच्छी है, क्या लगा? ये स्टोरी है जो सब्जेक्ट उन्होंने एड्रेस किया ना, लेकिन थोड़ा ओल्ड स्टाइल में किया है, लास्ट में शादी में हीरो आता है और फिर वो छीन जाता है, थोड़ा ओल्ड कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो जबरदस्ती शादी होती है उसके ऊपर एड्रेस, इसको और इंटेंस तरीके से बनाया जा सकता था। डायरेक्शन के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? नहीं मालूम, उसको डायरेक्शन नहीं समझता। सिद्धार्थ और परिणीति की केमिस्ट्री के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ऑन स्क्रीन कपल काफी अच्छा है। गाने के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, कैसी लगी गाने? गाने पे इतना ध्यान नहीं गया, आई थिंक 1 या 2 सॉन्ग ही है उसमें, गाने ठीक है, 3 स्टार्स दूंगा। जबरिया जोड़ी एक ऐसी फिल्म है जो युवा फिल्म को नहीं देखेगा वो पछताएगा, ये संजय भूषण पटियाला का गाना है, क्योंकि जबरिया जोड़ी एक ऐसी सिनेमा बनाया है प्रशांत जी ने जो हर युवा दर्शक को देखनी चाहिए। फिल्म में सिद्धार्थ जी का और प्रणीत चोपड़ा का जो जोड़ी है कमाल की बनाई है, और जो इसके लैंग्वेज को पढ़ाया गया है बिहार पटना का, जहाँ की हमारी राजधानी है, उन्होंने बखूबी 100 में 100% दिया है लैंग्वेज में। फिल्म सुपर हिट जाएगी, और आज भी मुझे लगता है कि मैं तो फर्स्ट शो देख के निकल रहा हूँ, यहाँ भी काफ़ी क्राउड देखने को मिल रहा है, सब जगह भी बिहार में धमाल करने वाली है। फिल्म के गाने के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? गाने और डायलॉग दोनों बेस्ट हैं, कहीं से फिल्म में माइनस नज़र नहीं आया मुझे तो। आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा गाना? मुझे सब गाने अच्छे लगे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको काटे जाए, सब गाने मेहनत किया उन्होंने, और फिल्मांकन भी एक से एक है इसका। लोग में से यही देना चाहेंगे, जिस तरह से आप चाइनीज माल खरीदते हैं 2 दिन में ख़त्म हो जाती है, उसी तरह जबरिया जोड़ी है शादी के जबरदस्ती होती है तो 2 दिन बाद तलाक हो जाता है। तो कितने स्टार देना चाहिए? 4 स्टार। फिल्म के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, कैसी लगी मूवी? अच्छी फिल्म है। सिद्धार्थ और परिणीति की एक्टिंग के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? दोनों की जोड़ी जम रही है। फिल्म का सबसे अच्छा पार्ट आपको कौन सा लगा? कहानी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? कहानी अच्छी है, बिहार में जो दहेज के ऊपर है मैसेज देती है ऐसा, जबरिया कुछ भी अच्छा नहीं होता ऐसा, जबरदस्ती लोगों को क्या मैसेज दे रहा है ये मूवी? वही जबरदस्ती, ना प्यार ना शादी, वो मैसेज दे रहा है। फिल्म के गाने के बारे में क्या बोलना चाहिए? गाने ठीक है, लास्ट में जो गाना है टैटू वाला अच्छा। डायरेक्शन के बारे में क्या बोलना चाहिए? ठीक है, अच्छा डायरेक्शन अच्छा। 3। कॉमेडी भी अच्छी है,
एक्सेंट की बात करें, भोजपुरी बोलने की कोशिश की गई है तो लगता है कि प्रॉपर तरीके से निभा पाए उस कैरेक्टर को? हाँ, निभा पाए। कॉमेडी के मामले में बात करें, एक दिग्गज कलाकार है, कॉमेडियन है, तब तो कॉमेडी में परिणीति का कॉमेडी अच्छा है। और बाकी जो कलाकार थे उन्होंने नहीं किया? हाँ, उसका भी अच्छा है सिद्धार्थ, मतलब पब्लिक को बांध के रखते हैं मूवी, आपको लगता है? हाँ, बांध के, बोरिंग नहीं है। आउट ऑफ फाइव कितना रेटिंग देंगे? थ्री।